नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो सफलता के सामने डर होते हैं, यानी कि जो सफलता को प्राप्त करने में आपको डर लगता है उसके बारे में। तो देखिए, हर जो व्यक्ति है इस दुनिया में उसको किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। अगर कोई कहता है कि वो नहीं डरता तो वो वहाँ पर झूठ बोल रहा होता है। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का डर हमेशा रहता है अगर वो किसी काम को करता है। जो कोई काम ही नहीं करते उनको कैसा डर होगा, क्योंकि वो तो सीधा डायरेक्टली फेल ही हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ट्राई ही नहीं किया। लेकिन जो लोग प्रयत्न करते हैं उनके सामने हमेशा कोई ना कोई फियर रहता है और हमेशा कोई ना कोई चुनौती उनके सामने आती रहती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फियर से, फियर को फेस करना, इस फियर से लड़ना, इस डर से लड़ना। जब आप डर से डर जाते हैं, मान लीजिए सफलता के रास्ते में आपके पास इस तरह की चुनौती है या इस तरह का डर है, आप उसको पार नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, आप हार जाते हैं। ये डर आपसे जीत जाता है, क्योंकि आपने इस डर को इतना बड़ा बना रखा है कि ये आपको जीतने दे ही नहीं रहा। आप उसको फेस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, अगर फेल हो जाऊँगा तो दुनिया मजाक बनाएगी। तो इस तरह के काफ़ी सारे डर होते हैं, फाइनेंशियली लॉस का डर होता है, मजाक का डर होता है, इस तरह की जो आपकी पर्सनैलिटी है तो वो दुनिया के हिसाब से बन जाती है। तो आप कोई भी रिस्क नहीं लेते कुछ काम करने के लिए। तो देखिए, आज हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी जो आप काम करना चाहते हैं उसके अंदर आप रिस्क जो है कैलकुलेटिव लें। जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन रिस्क को हमें समझना होगा, रिस्क को प्रॉपर समझें। रिस्क वो चीज़ है कि अगर आप बिना सोचे समझे कहीं पर छलांग लगाते हैं तो वो रिस्क होता है किसी काम के अंदर। लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेकर चलें, आपको पता हो कि ये करने से क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, कैसे आप उसको कर सकते हैं, तो उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपका जो भी काम है जो आप करना चाहते हैं उसको जारी रखें। 10 मिनट दें, 1 घंटा दें, 2 घंटे दें दिन में, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर आप शिफ्ट होते चले जाएँ। तो इसके अंदर किस चीज़ का रिस्क होता है? लेकिन बदलाव की शुरुआत तो आपको ही करनी होगी। बदलाव आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता, आपकी सोच में कोई नहीं कर सकता, उस डर से आपको बाहर कोई नहीं निकाल सकता। आपका मानसिकता जो है, आपका मानसिक लेवल जो है, आपको अच्छी तरह पता है आप कितने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं और किन डर से, जो कौन से डर हैं जो आपको डराते हैं, तो वो आपको ही पता है। किसी बाहर वाले व्यक्ति को जो आपसे जुड़े हुए हैं, किसी को ये नहीं पता होता कि कौन सा डर आपको डराता है। जो डर आपको डराता है आपके अंदर, उसको फेस करने की जब तक हिम्मत नहीं आएगी वो आपको इसी तरह से डराता रहेगा। जब आप उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उस डर, यानी कि कोई काम है, किसी डर के कारण आप नहीं कर रहे, अगर आप उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि ये काम जो है इतना, जो उसके अंदर ये डर नहीं था जो आप सोच रहे थे, क्योंकि सोच के अंदर जो डर होता है वो कई गुना बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप काम करते हैं, जब आपके पास डिफ़िकल्टी आती है तो वो काफ़ी छोटी होती है। आप सोचते हैं कि आप तो इसको बहुत बड़ा आंक रहे थे, लेकिन ये तो छोटी सी डिफ़िकल्टी है। तो इसीलिए कभी भी जो इस तरह के डर हैं, आप उनसे, उनको फेस कीजिए, उनसे डरें मत। जो जैसी भी चुनौती है ज़िंदगी के अंदर, जैसी भी परिस्थिति है, वो आपको थका सकती है लेकिन हरा तो नहीं सकती। तो इसलिए आप हमेशा बदलाव के लिए तत्पर रहें, आपको आगे बढ़ने की हमेशा तीव्र इच्छा होनी चाहिए। कोई भी डर है आप अपने ऊपर हावी मत होने दें। आप इतनी हिम्मत अपने अंदर रखिए कि कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, आप उससे आराम से निपट लेंगे। देखिए, मुसीबतों से आपको कुछ अनुभव ही मिलेंगे, मुसीबतें आपको कुछ देके ही जाएंगी, वो आपको सिखाने के लिए ही आती हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती हैं। लेकिन अगर आप डर कर बैठ जाएंगे तो आप कभी भी उन मुसीबतों के पार का जो भविष्य है, उज्जवल भविष्य है, उसको कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके पार जो चीज़ है आपने उम्मीद भी नहीं की है, वो इस तरह का जो आपके पास जो मिलेगा आपको, आपके पास इस तरह का उज्जवल भविष्य है, आपने उस तरह की उम्मीद भी नहीं की होती। तो हमेशा डर के, वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, बिल्कुल है। अगर आप अपने डर को जीत जाते हैं तो आप हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं और उज्जवल भविष्य आपका होता ही होता है। बहुत सारे अनुभव आपके पास होते हैं, बहुत सारी सफलता जो है आप प्राप्त करते हैं इस ज़िंदगी के अंदर। तो हमेशा अपने डर से लड़ें, उसे हारे नहीं। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।